क्या कह रहे हो? आर यू मैड? मैड नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसका सबूत मिल जाएगा। एक गोरे ने बताया जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है कंपनी में। उस गोरे ने ये राज की बात तुम्हें क्यों बताई? तुम अमेरिकन और यूरोपियंस को कितना जानते हो? कोई खास नहीं, जितना बाकी लोग जानते हैं उतना ही जानता हूँ। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो तीसरी दुनिया को अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। ओ यार कुरेशी छोड़ो, कहाँ की बातें कर रहे हैं। वो स्लेव बना चुके हैं हमें, आगे की बात करो। आगे तुम्हारे पाकिस्तानी बैंक ने तो वेस्टर्न मार्केट्स का पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो खैर है, ये हमारा बैंक इनके गले का कांटा बन गया है। अब वो इस गले के कांटे को निकालने का फैसला कर चुके हैं। वो किस तरह? तो क्या कर लेंगे? वो कर चुके हैं। अपना पैसा निकाल लो, दो दिन में बैंक बंद हो जाएगा। अच्छा, पाबंदी लग जाएगी और बड़े बड़े अफसर गिरफ्तार हो जाएंगे। किस जुर्म में? मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगेगा। और यार कौन सा दुनिया का बैंक है जो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता? ये हमारा पाकिस्तानी बैंक है भाई, इसे अरबों के सरमाए से बनाया गया है। और पाकिस्तान से आने वाली ब्लैक मनी ने इसे पाला पोसा। तो फिर क्या, अभी भी वक्त है, पैसा निकाल लो। हाँ मैं तो निकाल ही लूंगा, लेकिन बाकियों का क्या बनेगा? बैंक में पैसा पड़ा हुआ क्या है? एक झूठी तसल्ली जिसे आदमी हकीकत समझ लेता है। ऐसी भी कोई बात नहीं शेख साहब, बंदे के अकाउंट में पैसा हो सही, उसका एक अपना नशा होता है, अजीब मजबूत मजबूत महसूस करता है बंदा। मेरा मतलब ये है कि पेपर मनी जो है ना, वो एक बेइतबार शय है। सर ये आप ये ब्रोशर देखें, ये नक्शे देखें, जायदाद हो तो सेंट्रल लंदन में। सियाने कहते हैं जमीन का पैसा जमीन ही पे खर्च किया जाता है। कहते तो यही है। सर ये देखें, ये बेस वाटर रोड है, इसके साथ कैंसिंगटन का इलाका है सर। ये ठीक, ये सारा अरबों ने खरीद रखा है। ये बहुत महंगा इलाका है सर, ये 6 बेडरूम का पूरा पैलेस है। बात तो सही है, जायदाद बेची है तो जायदाद ही लेनी चाहिए। आप बैंक से पैसा निकलवा लें और खरीद लें। मलिक जी लंदन की जायदाद तो सोना है सर, और वैसे भी रहने के लिए जगह अपनी होनी चाहिए। सारे पाकिस्तानी अपनी दौलत छुपाने के लिए ना यहाँ अपार्टमेंट लेते हैं सर। मैं तो कहता हूँ जितनी जायदाद ले सकते हो ले लो। तैयार हो गया शादी काशी? हाँ तैयार है, मैं बुलाया। शाजी काशी तैयार हो गए बेटे? मामू जी वो कहती है कि मैं दुकान पे काम नहीं करूंगी। हाँ हाँ मैं उसे देख लूंगी। बेटा क्या बात है, शॉप की क्या बात है? मम्मी ने वादा किया था कि शादी के बाद मैं आज से क्राफ्ट के कॉलेज में एडमिशन लूंगी। मगर उसकी क्या जरूरत है? देखो ना अपनी शॉप है, अपना कारोबार है और तुम्हें नहीं संभालना है। ग्लास को चले जाओ सैर करने के लिए, मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया है, ट्रेन के टिकट्स अरेंज कर दिए हैं, अभी घूम फिर आओ, अभी काम नहीं करना। हाँ मामूजी ये कहती है कि हनीमून पे नहीं जाना। अरे बेटा क्यों नहीं, चली जाओ अच्छा रहेगा, इट्स गुड टू हैव एन आउटिंग, और वैसे भी तुम बहुत वक्त से बाहर नहीं निकले। मुझे कहीं जाने का शौक नहीं है, क्या करेंगे जाके? अरे बेटा चली जाओ, गो, योर अंकल्स गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, और उसके बाद तुम स्कॉटलैंड चली जाना, बहुत मजा आएगा। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। ये कहले चले जाए सैर कर लेगा।
बेटा ये क्या कह रही हो तुम? मैं इसके साथ किस लिए जाऊँ? मैं नहीं बन इसका टूरिस्ट गाइड। ये क्या है, ये क्यों है, ये सब क्यों साफ है, ये टेलीफोन बॉक्स क्यों काम कर रहा है, ये बोतल कहाँ फेंकूं? क्या जरूरत थी ये फजूल बातें करने की? क्या हुआ? ओ भाई वो जिस बैंक में हमारा अकाउंट था वो बैंक ही खत्म हो गया यार। ऐसा नहीं हो सकता। नो no. यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कोई खाला जी का वाड़ा है कि बेजोद? भाई ये नेटवर्क की खबरें कब आती है? सर वो 6 बजे से पहले नहीं आती सर। 6 बजे तो देखो यार पता करो। डोंट वरी फिक्र नहीं करो तुम, हो सकता है खातेदारों को रकूम वापस हो जाए। लेकिन ये गोरा हमें पैसे क्यों देगा भाई? सर जी रफी साहब को फोन करें सर, उन्हें पता होगा सर। हाँ सच, उसका भी तो सारा पैसा उसी बैंक में था जिसमें हमारा था। किधर पता कर यार। अच्छा सर मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा चलो भाई चलो, तुम चलो। यही मैं कह रहा था कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा एक झूठी तसल्ली है। अरे अरे अब मैं तो आ गया लुट के, अब बर्बाद हो गया मैं तो यार। कुरैशी साहब आपके ख्याल में इस बैंक को किस लिए बंद किया गया? मेरे ख्याल में ये बैंक तीसरी दुनिया के मुल्कों में बहुत मकबूल हो रहा था, तो अमेरिका और यूरोप के बैंकों को इससे खतरा लाहक हुआ और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा के इसे बंद करने का एक मंसूबा बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग नाजायज़ ब्लैक मनी को बैंक रिकॉर्ड्स में जायज़ वाइट मनी दिखाने का दूसरा नाम है, और तकरीबन दुनिया के सारे बैंक ये काम करते हैं। क्या ये एशिया या तीसरी दुनिया के ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं? ज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हैं वो उनसे एग्री नहीं करते। क्या इस बैंक के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है? कुछ डायरेक्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान और अरब मुल्कों में, वहाँ की हुकूमतों में दबाव डाला जा रहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए। पाकिस्तान और अरब ममालिक में जो इस बैंक की शाखें हैं क्या उन्हें भी बंद कर दिया गया है? नहीं, बंद नहीं किया गया है, और ऐसा कोई इनकाम भी नहीं है कि उनको बंद किया जाएगा। तो खातेदारों को अदायगी का क्या सिलसिला होगा? अदायगी उनको मिलेगी, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, उनको परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली उनको पेमेंट जरूर मिलेगी। थैंक यू कुरैशी साहब। थैंक यू। नाज़रीन, आज पूरे लंदन में इस बैंक की शाखों को सील कर दिया गया और कस्टमर्स परेशानी के आलम में पाए गए। ज़रमीन, ब्रामले कोर्ट होटल, लंदन। मुझे सिर्फ इतना बता दो रफी कि तुम्हें हुकूमत ने इस काम पे लगाया था या ये साजिश तुमने खुद तैयार की मेरे खिलाफ? कैसी साजिश? इतना बड़ा बैंक मेरी मर्जी से बंद हो सकता है? और पहले तुमने एक साजिश के तहत मेरी हवेली खरीदी, और फिर दूसरी साजिश के तहत तुमने मेरे पैसे उस मनहूस बैंक में जमा करवा दिए। मलिक साहब जरा हौसले से बात करें। अबास अबास, अपना हौसला अपने पास रख। शेख साहब नहीं बोलने थे, चेहरे इतनी बड़ी रकम डूबेगी तो नब्जें तो डूबेंगी ना। वैसे मुझे हैरत है कि अभी तक तुम्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा। ओ भाई, खानदानी जागीरदार है हम, ये मामूली से झटके मेरे दिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर किस बात का इतना मलाल?
देख रफी, तूने बड़ी चालाकी से मुझे नुकसान पहुंचाया, बड़ी चालाकी से। रब, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मत समझना कि मैं यहां एक जिला वतन की जिंदगी बसर कर रहा हूं। यहां भी मैं उतना ही ताकतवर हूं जितना अपने तेरे पर। मतलब यहां की सिविल इंतजामिया तुम्हारी मर्जी से तो नहीं चलती ना? इतना आगे ना बढ़े रफी साहब, बात को समझें। मैं क्या समझूं? वो सारी गलत बात कह रहे हैं। क्या गलत है कि क्या ये भी गलत है कि तुझे तुझे इल्म था इस बैंक के डूब जाने का और तूने अपनी रकम निकलवा ली और मेरी डूब जाने दी? मुझे कैसे पता हो सकता था? मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने पैसे निकलवा ली। और जानता हूं अब तुम्हें भी स्विस बैंकों की जरूरत पड़ गई। हमारे दरियाओं के पानी का आखिरी समंदर तो स्विस बैंक ही होते हैं ना। वैसे रफी साहब, अब होगा क्या? होना क्या, अभी तक तो कुछ वाजे नहीं है। रफी, लेट्स बी स्केयर अबाउट इट। पहले तूने पाकिस्तान में मेरे पीछे FIA लगवाई, मैं यहां लंदन आया, तूने अपनी बेटी मेरे पीछे लगवा दी, इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे लगवाए, मेरी हवेली बिकवा दी। और क्या चाहता है तू? मुश्किल वक्त तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं। सियासतदान तो मुश्किल वक्त को सूद समेत कैश कराया करते हैं हुकूमत में आने के बाद। हमारी पार्टी की हुकूमत आने तो दो, पर कराऊंगा कैश तुम्हें भी और तुम्हारी बेटी की चालाकी का। बेटी, मैंने 3-4 जोड़ी कपड़े और कुछ कूलर्स भी रख दिए हैं, वहां बहुत सर्दी होगी। अच्छा, फोन कर दिया है, वो आ जाएगा स्टेशन पे। एक घर से दूसरे घर, क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्या मेरी किस्मत बदल जाएगी? बोलो पापा, कोई नहीं मिला तो मुझे कुर्बान कर दिया। बेटी, अब तुम दोनों एक अंडरस्टैंडिंग। हाँ, और इसीलिए तुम दोनों का अकेले रहना बहुत जरूरी है। मामूजी, अगर ये वहां जाकर मुझसे इसी तरह बहुत लड़ी तो फिर मैं क्या करूंगा जी? तुम सुन में ना सब कुछ ना जी, मैं ऐसा नहीं रहूंगा जी। नहीं नहीं बेटा, देखो ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं मियां बीवी में, देखो अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए छोटी मोटी ऊंच-नीच तो होती रहती है। खामखा, इतना लंबा सफर, दीवारों के साथ बात करूंगी या मुसाफिरों के कुत्तों के साथ बात करूंगी? हाँ हाँ, मैं कुत्ता हूँ, मुझे यहाँ आकर कुत्ता बनना पड़ा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मुझे पाकिस्तान जाना है जी, बस। नहीं बेटे, मैं इसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, यहाँ तो गाड़ियों में कुत्ते सफर करते हैं और वो भी सीट पे बैठ कर, तुम ही देख लेना। काशी, चंदन भी बिल्कुल ठीक हो गई, आई प्रॉमिस। बेटी, मेरे खातिर एक कोशिश, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जरूर दूंगी। सलमा, हम लेट ना हो गए। मामूजी से कहें कि ये अंग्रेजी कम बोले मुझसे। नहीं बोलेगी, अब तुम भी इंग्लिश सीख लो आहिस्ता आहिस्ता। नहीं बाबूजी, यहाँ सब अपना सामान खुद उठाते हैं। हाँ हाँ, दैट्स इट। शादी पर आना चाहती थी लेकिन आ नहीं सकी, जो कुछ हुआ मैं मुजरिम नहीं हूं, शायद पापा भी नहीं है,
हमारा ना हिस्ट्री है ना ज्योग्राफी, हमें अपने शोहर खरीदने पड़ते हैं। ये तुम्हारे लिए रख लो। और हाँ, कोशिश करो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काशी के साथ हो जाए। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे जैसे जैसे तुम्हें अभी मिला है इधर ही इसी प्लेटफॉर्म पर, ना तुम मेरे गले लगकर रोए, ना मैं ये उदार रहा। चालू चलो तो ऐसा लगता है जेल की दीवारों से दोस्ती हो गई है। ये जो रूममेट हैं आप, उनके बारे में क्या ख्याल है आपको? आप उनके बारे में पूछने के लिए आए हैं? ऐसे ही पूछ लिया? मैं तो समझी थी आप मुझसे मिलने आए हैं। तुम ही से मिलने आए हो? और यहाँ किससे मिलने? पूछे जो पूछना है आपने। नाराज क्यों हो रही हो? वो मेरी क्लाइंट है, मैं उसका वकील हूँ, और तो कोई ताल्लुक नहीं है मेरा से। अगर हो भी जाए तो क्या है? कैसी बात करती हो? मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था, कहीं मैं तुम्हें तंग तो नहीं करती। What kind of a woman is she? वो मुझे क्या तंग करेगी? उसको ये पता है कि यहाँ एक कत्ल की 1 साल सजा होती है। एक कत्ल की 1 साल सजा उस सूरत में होती है कि वकील हमारे जैसा हो। वैसे अगर आप मेरी वकालत ना भी करें ना, तो 5 साल से 10 साल लग जाएंगे, और बाहर निकल के मैं करूंगी भी क्या? फिर वही पुराने ट्रैक वाली बातें शुरू। अच्छा खासा दिमाग ठीक हो रहा था पिछले दिनों, है ना? आप बात करें, क्या बात है? कोई बात नहीं करनी, मैं तुमसे मिलने आया था। हाँ एक बात थी भी। जी क्या बात करनी है? तुम्हारी मामा आई थी मुझसे मिलने, वो तुमसे मिलना चाहती। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, वरना मैं आपसे भी नहीं मिलूंगी। उन्होंने तुम्हारे हक में गवाही दी है शुबाना। उन्होंने मेरे हक में गवाही नहीं दी, बल्कि अपने गुनाहों का कफारा अदा किया है। लेकिन सर प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। ये जो तुम्हारा वकील आता है ना, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर बना लो, तुम्हें रिश्ता बनाना भी नहीं आता? तुम्हें आते तो तुम बना लो। मैं क्या बनाऊंगी, मैं तो उस रिश्ते को ना बचा सकी जिस पर मेरा हक। रिश्ते बनाए नहीं जाते, बन जाते, जैसे मेरा और तुम्हारा रिश्ता। न जाने हमारे रिश्ते को कोई क्या नाम देगा।
मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मजबूरी का है। मजबूरी से बड़ा और क्या रिश्ता होता है? तुम मेरे पास ना होती तो शायद मैं पागल हो जाती। अब तुम चली जाओगी तो ये दीवारें मेरे ऊपर आन गिरेंगी। तुम इतनी कमजोर तो नहीं थी? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या जानो मैं कितनी कमजोर हूं। ये जो मैं तुमसे ऊंचा नीचा बोलती हूं ना, अपनी इसी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए करती हूं। बुरा ना मान। देखता हूँ, तुम चाय बनाओ। चाय बनाती हूँ, ये क्या है? कुछ होगा, तुम चाय बनाओ। फिर भी बताओ ना। ऐसा कुछ खास नहीं। अरे बाबा दिखाओ तो सही। तुम्हारे मतलब का नहीं है। फिर भी दिखाओ तो सही। देख लो, जिम्बाब्वे से आया है, वहाँ के थिएटर में मेरे लिए जॉब है, बहुत अच्छे ऑफर है। तुमने वहाँ जरूर अप्लाई किया होगा। हाँ ये देखो लिखा है यहाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बहुत पहले से अप्लाई किया था। तुम वहां जाना चाहते हो जिम्बाब्वे? मेरा ख्याल है, हर्ज क्या है? मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने तुमको पहले भी कह दिया था, तुम ये बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ना पाकिस्तान में जाऊंगी ना जिम्बाब्वे। याद रखो। मुझे जाना पड़ा तो क्या होगा? मैं नहीं जाऊंगी, तुम अकेले जाना। ठीक है, अकेले चले जाऊंगा। तुम मुझे क्या अकेला छोड़ के चले जाओगे? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऑफिसर, जस्ट टेक हर अवे। शुबाना, प्लीज फॉरगिव मी। आई डोंट वांट टू सी यू मॉम। Shubhana, I am responsible for this. I don't want to talk to you. Just go away. Excuse me, Mom, please. कैसर? तुम उससे मिलना नहीं चाहती क्या? किस लिए मिला जाए, किस रिश्ते से मिला जाए? आखिर बात क्या है, कुछ बता तो सही। तुम मुझे नहीं जानते। तुम मेरी किसी बात से नाराज हो या कोई गलतफहमी हुई तुम्हें? मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी? क्या ताल्लुक है हमारा? ताल्लुक तो है, लेकिन अगर तुम महसूस करो तो क्या ताल्लुक है? एक प्लेट में खाना खाने या एक छत के नीचे बात करने को तुम ताल्लुक कहते हो? इससे बड़ा भी कोई ताल्लुक हो सकता है? तुम क्या ताल्लुक बनाना चाहते हो? तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मेरी मां है ना बाप ना भाई। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। मैं तुमसे मिले बगैर नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। अबे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुझे शादी से नफरत है, और उन मर्दों से भी जो शादी का सहारा लेकर औरतों को बेवकूफ बनाते हैं। Now just leave me alone। अरे तुम सही नहीं कर, तुम सोच, मुझे कम से कम बताओ तो सही। कैसे? प्लीज, तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजरा है, उसकी याद बाकी रहने दो।
बात क्यों नहीं करती? मैं बोर हो गया हूँ इस इतनी अच्छी जगह आके। क्या बोलूं? कुछ बोलना आता तुम्हें? कभी पाकिस्तान में किसी से मोहब्बत की तुमने? मोहब्बत? हाँ, वो हमारे घर के बराबर में एक लड़की रहती थी, वो ना रोज सुबह चौबारों में आ जाती थी और मुझे देखती रहती थी। फिर कभी उससे कुछ कहा तुमने? मैंने कभी उसको कुछ नहीं कहा, बस चुपके चुपके उसको मैं देखता रहता था। तो फिर मुझे भी देखो, बात क्या करके लेना है? मतलब तुम मेरी बीवी हो? ये क्या तुम हर वक्त बीवी बीवी बोलते हो? इस तरह क्या तुमने मुझे गुलाम बना लिया? या कौन है, मैं किससे बात करूं? तुमसे क्या बात करूं? हर बात में तुमको पाकिस्तान की कोई ना कोई चीज याद आ जाती है कि पाकिस्तान ये नहीं होता और पाकिस्तान में वो नहीं होता, पाकिस्तान की ये चीज अच्छी है और पाकिस्तान की वो चीज अच्छी है। पाकिस्तान पाकिस्तान, तुम वहां पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ आए? मैं क्या करूं, मुझे हर बात पे मेरा पाकिस्तान याद आता है। तुम वापस चले जाओ। तुम जाओगी मेरे साथ? मैं क्यों जाऊंगी? मैं डालूंगी तुम्हारे बगैर। मगर मैंने तो यहाँ बिजनेस करना है ना। पैसे के बगैर बिजनेस करोगे? नहीं, मामू जी कराएंगे ना। हाँ, मामू कराएंगे। मामू ने तुम्हें खरीद लिया है पैसे देकर मेरे लिए। क्या खरीद लिया? कर वाई, लीव मी अलोन। क्या? चले जाओ। आप लोग कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? सर वो ये पीटर, बस इसने देर करा दी सर। वैसे भोले का फैसला कोर्ट ने कर दिया है और उसके लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ है। सर भोले को पैसे कितने मिलेंगे? भाई आप उसके पैसे की फिक्र क्यों करते हैं? ओ सर इसको आप छोड़ें सर, आप ये पागल है, मुझे बताएं फैसला क्या हुआ। भाई फैसला जो कोर्ट ने कराया भोले के लिए बहुत अच्छा है। पहली चीज तो उसकी कंपनी उसका इलाज का खर्चा उठाएगी जब तक उसकी तबीयत खराब है, और दूसरी चीज उसकी कंपनी उसे डबल सैलरी देगी जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। वाह 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 वाह, इसका मतलब ये है कि दुगना मुआवजा। मगर तीसरी चीज भी आप सुन ले, वो ये है जब उसकी तबीयत ठीक हो गई उसे रिपोर्ट कर दिया जाएगा। सर ये आखिरी बात तो मुश्किल होगी सर। भाई ये कोर्ट का फैसला है और हमें इस पे अमल करना होगा। सर इसका मतलब तो ये है कि जब तक गुना ठीक नहीं होगा उसको मुआवजा मिलता रहेगा। दैट्स ट्रांसपेरेंट। ओके सर, थैंक यू। राइट सर, खुदा हाफिज़। खुदा। मामूजी मैं अभी पाकिस्तान जाऊंगा, बस अभी। हनीमून पे इसलिए भेजा था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, सब कुछ उलट कर दिया तुम लोगों ने। बेटा अब क्या बात हो गई?